बसंत में अपनी रंगत का जादू दिखाने वाले टेसू के फूलों की बहार खिलने लगती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इससे रंग भी बनाए जाते हैं? क्या आप जानते हैं कि टेसू के फूलों से भगवान श्री कृष्ण ने भी होली खेली थी? लेकिन आज टेसू के फूलों के रंग गायब होते जा रहे हैं। लेकिन आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों हम अपनी पुरानी परंपराओं से बिछड़ते जा रहे हैं? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। टेसू के फूलों को भिगोकर उससे बने रंग से होली खेले जाने की पुरानी परंपरा अब टूट रही है, क्योंकि अब ये अपनी पहचान खोने लगा है। कहा जाता है कि टेसू के फूलों के रंग भगवान श्री कृष्ण को प्रिय हैं, और आज भी ब्रज में टेसू के फूलों से श्री कृष्ण होली खेलते हैं। लेकिन अब धीरे धीरे टेसू के फूलों के रंग अपनी पहचान खोने लगे हैं, जिस बात का सबूत ये रंग बनाती बुजुर्ग महिला दे रही हैं, जो टेसू के फूलों से रंग बना रही हैं और बता रही हैं कि एक वक्त था जब घर घर में ये रंग बनाए जाते थे, लेकिन अब वो तस्वीर कहीं नहीं दिखती। ये रंग बनाती बुजुर्ग महिला भोपाल से कुछ दूर एक ग्रामीण इलाके में रहती हैं, जो बताती हैं कि आज की पीढ़ी होली की इस परंपरा से अनजान है, जब होली टेसू के रंगों से ही खेली जाती थी। जो कलर बनाया का कहीं कैसा का खाकरा का फूल का, ये सब कोई बीमारी नहीं हो। अच्छा, थोड़ा फुंक से नहीं हो। आजकल का कलर में रेता मिली आ रही, जंगल जा था, जंगल से तोड़ के लाते फूल। हाँ। और फिर उन्हें बांट के नहीं और कलर बना कर वो बैस होली खेले। हालांकि ये कहा जाता है कि करीब डेढ़ दशक पहले तक घर घर में टेसू के पौधे के फूलों के रंग से होली खेली जाती थी। उस समय भी कई और रंगों से होली का प्रचलन हो चुका था, लेकिन टेसू के पौधे के फूलों के रंग से होली खेलना जरूरी होता था। दरअसल ऐसी मान्यता है कि वृंदावन में गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण के साथ टेसू के फूलों से ही होली खेली थी, क्योंकि टेसू के पौधा शुक्र ग्रह का प्रतिनिधित्व करता है। शुक्र ग्रह बसंत ऋतु के राजा हैं। टेसू के फूलों से होली खेलने पर भगवान की कृपा मिलने की मान्यता बताई जाती है, इसलिए टेसू के फूलों को इकट्ठा कर उससे रंग बनाने की परंपरा थी। खैर, अब ये तस्वीर हर कहीं तो देखने को नहीं मिलती, लेकिन भोपाल के इस ग्रामीण इलाके में ये तस्वीर देखने को मिली है, जो बता रही है कि ये परंपरा आज भी जिंदा है। यहाँ के लोग बताते हैं कि 15-20 साल पहले होली मनाने की तैयारियों के चलते लोग टेसू के फूलों को घर लाते थे। इसके बाद बर्तन में रखकर फूलों को उबाला जाता था और उससे रंग निकाला जाता था। फूलों को पीस कर भी रंग निकालने की परंपरा थी। होली के अवसर पर फूलों के इसी रंग से होली खेली जाती थी, लेकिन आज कम ही ऐसा देखने को मिलता है, लेकिन कुछ घरों में आज भी ऐसा होता है। और भोपाल के ग्रामीण इलाकों में ये तस्वीर इस समय भी देखने को मिलती है, जब फूलों को इकट्ठा किया जाता है, घर लाया जाता है और फिर उससे रंग बनाकर होली खेली जाती है। पहले गुलाल वगैरह ये कुछ भी नहीं चलता था, आजकल सब चलने लगा है। इसका ये देखे तो उठाने आ गया हमें। हाँ। वो बनाएंगे, अपन सीखेंगे इसको। कब से खेल रहे हो आप इससे कलर? कितने साल से हो गए आपको खेलते हुए? उनको तो बहुत साल हो गए, उनसे चलने की नहीं बनती, तो इसलिए वजह वो दिखे तो मैं ले जा रहा हूँ। तो ये रसायन कलर का उपयोग नहीं करते आप? करते हैं, हम लोग करते वो नहीं कर पाते, लेकिन ये कुदरती चीज है, इसको सीखना है। ग्रामीण बताते हैं कि टेसू के फूलों के रंगों से होली खेलने की परंपरा वर्तमान समय में लोगों ने छोड़ दी है। ये परंपरा प्रचलन से बाहर होने से नई पीढ़ी इससे अनजान होती जा रही है। ग्रामीण बताते हैं कि टेसू के फूलों का रंग त्वचा को किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाता, इसके रंग से सुंदरता निखर आती है। फिलहाल अब लोग रंग बनाने में झंझट के कारण टेसू के फूल नहीं लाते, वो दुकानों से रंग लेते हैं जो सही नहीं होते, इसलिए ये परंपरा अब खत्म होती जा रही है। हम लोग टेसू लड़के सब मिल करके तोड़ लेते थे, फूलों के पूरा माया बोलते हैं उसको, तो जगह जगह फ्री में मिल जाता था। पहले रंग तो मिलते नहीं थे पहले हम लोगों को, तो हम लोग वही पेड़ के छूला के उसका फूल छोड़ लेते थे, जिसको टेसू अपन बोलते, तोड़ के पानी में भिगाते थे, बाल्टियों में भर लेते थे, फिर भिगा भिगू के उस पर से कुछ करके और थोड़ा बहुत अभी हल्दी वल्दी मिला के थोड़ा बहुत ये कर लेते थे, देसी मतलब काम होता था, और इतना बढ़िया रंग उसका निकलता था। पहले रंग तो मिलता नहीं था, तो यही रंग का उपयोग होता था। और आजकल तो केमिकल रंग आ रहा है, बहुत बेकार हो रहा है। प्राकृतिक है ना यार, प्रकृति का है, कोई उस पर आर्टिफिशियल नहीं है उस पर, मतलब वो प्रकृति का बनाया हुआ है, तो हर चीज़ का फायदेमंद है। बहुत बढ़िया रंग है इसका, कृष्ण भगवान ने उपयोग किया टेसू के रंग का। टेसू जो अपने कृष्ण भगवान थे ना, वो भी फूलों की करते थे, टेसू का उपयोग उस समय भी होता था। आज भी टेसू का उपयोग गाँव वाले करते हैं, जो पुराने बुजुर्ग लोग हैं
टेसू के बारे में बताएंगे आपका। फिलहाल अब टेसू के फूल के रंग कहीं कहीं ही देखने को मिलते हैं, लेकिन इससे जुड़ी कई कहानियां हैं। पौराणिक कथा के मुताबिक कामदेव ने टेसू के वृक्ष पर बैठकर भगवान शिव की तपस्या की थी। शिव ने क्रोध में अपनी तीसरी आंख खोलकर कामदेव को भस्म कर दिया था। वृक्ष जलने लगा तो कामदेव ने शिव से प्रार्थना कर अपने आप को बचाया। कहते हैं इसी वजह से शिव के दहकते हुए तीसरे नेत्र की तरह इसके फूल हो गए। मध्य प्रदेश के जंगलों में टेसू के वृक्षों के जंगल पाए जाते हैं, लेकिन तेजी से कम होते पेड़ों के कारण अब ये पेड़ कहीं कहीं ही दिखाई देते हैं। बदलते दौर में लोगों ने भले ही टेसू जैसे उपयोगी फूल को भुला दिया, पर रासायनिक रंगों के मुकाबले टेसू के फूलों से बना होली का रंग और गुलाल ज्यादा सुरक्षित होता है। खैर, रासायनिक रंगों से रंगी इस दुनिया ने टेसू के फूल को भले ही भुला दिया हो, लेकिन टेसू से हर्बल रंग बनाने के लिए भोपाल के कई गांवों से टेसू के फूल आज भी घर लाए जाते हैं, जिससे गुलाल बनाया जाता है। और इसी परंपरा को जिंदा रखने की ये लोग कोशिश कर रहे हैं, ताकि आगे आने वाली पीढ़ी भी इस परंपरा को अपना पाए। फिलहाल ऐसी और खबरों के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।